हाँ जी दोस्तों, तो Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11i सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दी गई है एंड काफी समय से हम इस सीरीज का वेट कर रहे थे। फाइनली ये सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दी गई और एक नहीं दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं, Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i Hypercharge। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन के बारे में, एक साथ दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोनों में आपको बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, केवल बैटरी मॉड्यूल में डिफरेंस मिलता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन एक जैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम दोनों स्मार्टफोन की एक साथ बात करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं एंड क्या ये स्मार्टफोन लेने लायक है या नहीं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले एक बार मन की बात कर लेते हैं। तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, गला एकदम चोक हो रखा है, बोलते नहीं बन रहा है। तो आज की वीडियो में अगर आपको आवाज़ अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ भाई इग्नोर करना उस चीज़ को, थोड़ा सा ऑडियो आपको डिस्टर्ब देखने के लिए मिल सकता है, मेरी वॉइस आपको डिस्टर्ब देखने के लिए मिल सकती है। सो यस, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए आज सुबह वाला वीडियो भी नहीं आया था एंड शायद उतनी ज़्यादा जो कंटिन्यूटी हमारी रहती है वो आपको आने वाले टाइम में जब तक सही नहीं हो जाता है तब तक शायद उतने कंटिन्यूअस वीडियो देखने के लिए ना मिले। लेट्स सी क्या होता है। बाकी बात करते हैं फोन के बारे में और स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर आपको फुल ग्लास बिल्ड दी गई है, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक, यहाँ पर आपको मेटल का फ्रेम शायद दिया गया है एंड बैक में आपको एंटी ग्लेयर मैट ग्लास दिया गया है, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको सॉलिड मिलती है, बिल्ड क्वालिटी में शिकायत आपको नहीं आने वाली है। मी 11i का जो वेट है 207 ग्राम्स के आसपास है एंड मी 11i Hypercharge का वेट है 204 ग्राम्स के आसपास, तो बिल्ड क्वालिटी सही है, उसमें ज़्यादा शिकायत आपको नहीं आने वाली है। एंड डिज़ाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग फ़ोन है भाई। बैक पैनल से अगर देखा जाए तो टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा सेटअप दिया गया है जहाँ पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, उसी के साथ में आपको LED फ्लैश देखने के लिए मिलता है। Xiaomi की ब्रांडिंग पीछे की तरफ दी गई है। फ्रंट में अगर बात करें तो बहुत ही पतला सा यहाँ पर आपको पंचोल दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं एंड ठीक ठाक साइज की चेन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में एंड पर्पल कलर में, 4 कलर्स में फोन दिया गया है। दिखने में फोन बढ़िया लग रहा है एंड बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको सॉलिड मिलती है। बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में आपको कोई शिकायत यहाँ पर नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिया गया है। डिस्प्ले का साइज काफी अच्छा है एंड Xiaomi जनरली आपको यही डिस्प्ले देता है, 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED पैनल यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि बहुत ही छोटे से पंचोल के साथ में आता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो यहाँ पर आपको मिलता है, 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी दी गई है, तो डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया रहने वाली है। साथ ही साथ HDR10 का सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलता है, वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलता है। उसी के साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1200 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले काफ़ी सही रहने वाला है, उसमें आपको शिकायत नहीं आने वाली है। एंड गेमिंग की अगर बात करें, हाई रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 120 hertz का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड उसी के साथ में 360 hertz का यहाँ पर आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया रहने वाली है, वो गेमिंग करने के लिए भी बढ़िया रहने वाली है, डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं आने वाली है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 920 चिपसेट दिया गया है एंड 920 जो चिपसेट है रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट है, हीटिंग का इशू आपको काफी कम देखने के लिए मिलेगा एंड फोन की बैटरी जो है आपकी अच्छी खासी चल जाएगी, तो भाई परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलनी चाहिए। यहां पर 2.5 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, यहां पर 2 A78 वाले कोर्स आपको दिए गए हैं एंड 6 A55 वाले कोर्स 2.0 GHz पर मिलते हैं, तो डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है वो आपको मस्त मिल जाएगी, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए यहां पर आपको अनमाली G68 MC4 GPU मिलता है जो कि बढ़िया तरीके से आपको गेमिंग करा देगा एंड ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके काफी अच्छे से हो जाएंगे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम दी जाएगी एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है।
अब कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है दोनों फोन्स के साथ में। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिलता है, जहां पर आपको सैमसंग का HM2 सेंसर दिया गया है। उसी के साथ में यहां पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एंड उसी के साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का यहां पर मिलता है टेली मैक्रो सेंसर। 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। EIS यहां पर आपको मिलता है, OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है, एंड 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर रेयर कैमरा से। एंड फ्रंट में अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको दिया गया है, एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप डिसेंट यहां पर आपको मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो अगर होता तो और ज्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप जो है वो यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है, कैमरा में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो यहां पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं दोनों फोन के अंदर। अगर Xiaomi 11i हाइपरचार्ज के बारे में अगर बात करें तो यहां पर आपको 4500mAh की बैटरी दी गई है, एंड 120W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, और 15 मिनट में आपका फोन 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाएगा 120W की चार्जर के साथ में। तो बैटरी मॉड्यूल यहां पर आपको इनसेन देखने के लिए मिलता है, 4500mAh की बैटरी, 120W की चार्जिंग, 15 मिनट में फुल चार्ज, सही साठ यहाँ पर आपको बैटरी मॉड्यूल दिया गया है। वहीं पर Mi 11i की अगर बात करें वैनिला वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 5160mAh की बैटरी दी गई है। यहाँ पर बैटरी का साइज आपको थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, एंड उसी के साथ में 67W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 67W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, एंड ये जो फोन है ये 43 मिनट में 0 से लेकर 100% तक फुल चार्ज हो जाता है। सो बैटरी मॉड्यूल आपको दोनों फोन के अंदर काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, एंड पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए भाई, तो मेरे हिसाब से Mi 11i का जो बैटरी मॉड्यूल है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी का साइज भी सही दिया गया है, एंड 67W की चार्जिंग यहाँ पर दी गई है, जो कि कहीं भी आप इसको कम चार्जिंग नहीं बोल सकते हैं। बढ़िया यहाँ पर आपको चार्जिंग मॉड्यूल दिया गया है। तो ओवरऑल अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी मॉड्यूल दोनों फोन के साथ में आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, बैटरी मॉड्यूल में आपको कहीं भी शिकायत नहीं आने वाली है। चार्ज करने के लिए दोनों फोन के साथ में आपको टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। दोनों ही फोन के साथ में 3.5mm जैक देखने के लिए मिलता है। सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलते हैं, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, IR ब्लास्टर भी आपको दोनों फोन्स के साथ में मिलता है। तो सेंसर्स में आपको कोई भी कमी नहीं दी गई है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉयड 11 के ऊपर आपको फोन मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है MIUI 12.5, एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका डिसेंट रहने वाला है, उसमें ज़्यादा शिकायत आपको नहीं आने वाली है, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका रहेगा। थोड़े बहुत बग्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी आपको उतने ही मिलते हैं। सो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनकी ट्यूनिंग करी गई है डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। तो ऑडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी सही मिलने वाली है, ऑडियो क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। एंड उसी के साइड में यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर मेमोरी कार्ड घुसेड़ के आप अपने फ़ोन में 1 TB तक की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है आप उसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस अगर देखे जाए तो दोनों फ़ोन के काफ़ी तगड़े हैं, एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें, वेरिएंट्स की अगर बात करें, तो दोनों ही स्मार्टफोन 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किए गए हैं, 6+128 एंड 8+128। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं Mi 11i वैनिला वेरिएंट की। तो ये जो स्मार्टफोन है 6+128 लॉन्च किया गया है 24999 में 25,000 रुपये के आसपास, एंड 8+128 लॉन्च किया गया है 26999 27,000 रुपये के आसपास। लेकिन यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है पहले सेल का वो है 21,499 रुपये 6+128 का, और 23,499 रुपये प्राइस है 8+128 का। वहीं पर हम बात करें अगर Mi 11i हाइपरचार्ज के बारे में, तो 26,999 रुपये प्राइस रखा गया है 6+128 का, एंड 8+128 का प्राइस है 28,999 रुपये। एंड यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है वो है 6+128 का 22,999 रुपये, एंड 8+128 का है 24,999 रुपये। यहाँ पर आपको SBI कार्ड पर 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑफ मैंने यहाँ पर आपको प्राइजेस बताए हैं। सो यस, जो प्राइजेस रखे गए हैं फर्स्ट सेल के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, बाकी जो इसका एक्चुअल प्राइस रखा गया है वो मेरे को थोड़े भाई ओवर प्राइस लगे, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन्स हैं एक डायमेंसिटी 920 को हटा दिया जाए और 120W की चार्जिंग को हटा दी जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन फोन्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। सो मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट अगर आप पहले सेल में परचेस करते हैं तो सही है, अदरवाइज थोड़े से मेरे हिसाब से महंगे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, मेरी आवाज़ आपको बहुत सुरीली लग रही होगी आज,
एक लाइक बनता है भाई, अगर आपको मेहनत हमारी पसंद आती है लाइक जरूर से करना, एंड कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है स्पेसिफिकेशन को देखते हुए कैसा रखा गया है प्राइस पॉइंट, एंड क्या ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।